नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चले जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। बायोटेक्नोलॉजी विभाग के वैज्ञानिकों की आशंका को देखते हुए भारत में डेल्टा 4 नामक कोरोना वेरिएंट से तीसरी लहर का खतरा बढ़ गया है। दरअसल डेल्टा 4 वेरिएंट तेजी से बढ़ रहा है। वैज्ञानिकों की टीम ने इसे लेकर अलर्ट जारी किया है। उन्होंने केंद्र सरकार को 13 सितंबर को एक रिपोर्ट भी सौंप दी थी। सीएम नीतीश कुमार जनता दरबार के बीच लालू प्रसाद यादव की पार्टी राजद ने मुख्यमंत्री जनता के दरबार कार्यक्रम को लेकर कई सवाल खड़े कर दिए हैं। राजद के मुख्य प्रवक्ता और पार्टी के विधायक भाई वीरेंद्र ने यह आरोप लगाया है कि यह जनता का नहीं मुख्यमंत्री का दरबार है। अगर आप भी ट्रेन से यात्रा करते हैं तो आपके लिए काम की खबर है। आप में से बहुत कम लोग जानते होंगे कि ट्रेन टिकट लेने के साथ आपको बहुत सारी सुविधाएं मिलती है। IRCTC की वेबसाइट या मोबाइल ऐप के जरिए जब आप टिकट बुक करते हैं तब आपसे इंश्योरेंस के लिए पूछा जाता है। अगर आपने ये इंश्योरेंस लिया है तो आपको कई तरह की सुविधाएं मिलेंगी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री के पद पर देखने की इच्छा जाहिर करने या उन्हें पीएम मटेरियल बताने वालों की लिस्ट में राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान का नाम जुड़ गया है। उन्होंने अजमेर में ख्वाजा गरीब नवाज दरगाह पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री बनाने की दुआ मांगी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने शारदीय नवरात्रि, विजयादशमी, दशहरा और चेहल्लम के मद्देनजर कानून व्यवस्था और सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। त्योहारों के अवसर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य सरकार द्वारा COVID-19 महामारी की रोकथाम के लिए दिए गए निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन करने को कहा है। पाकिस्तान की सेना गंभीर परेशानियों से घिर गई है, जिसके तहत घटिया चीनी हथियार और सिस्टम देखकर सैन्य अधिकारी अपना सिर पीट रहे हैं। पहले भी रिपोर्ट्स आ चुके हैं कि चीन ने पाकिस्तान को घटिया क्वालिटी के मिलिट्री सामान बेचे हैं, जिसकी वजह से पाकिस्तान की सेना गंभीर समस्या से घिर गई है। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में 23 सितंबर तक बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विज्ञानियों के मुताबिक इन राज्यों में अगले 3 दिन भारी बारिश की संभावना है। कई राज्यों में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी। बारिश के कारण उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात सहित कई राज्यों में स्थिति ज्यादा खराब हो गई है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के मौजूदा सत्र में भारत अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों को जोर शोर से उठाया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र संघ में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS त्रिमूर्ति ने यह बात न्यूज एजेंसी PTI को दिए साक्षात्कार में बताई है। उन्होंने बताया कि मौजूदा 76वें सत्र में आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, कोरोना वैक्सीन की उपलब्धता जैसे मुद्दे को उठाया जाएगा। 25 सितंबर को PM मोदी इसका संबोधन करने वाले हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की 2 एजेंसियों की जारी रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है, जिसके तहत काम के लंबे समय की मजबूरी और कार्यस्थल पर वायु और ध्वनि प्रदूषण के कारण हर साल करीब 20 लाख लोगों की जान गई है। रिसर्च में पाया गया है कि कार्यस्थल पर वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और काम की लंबी अवधि जैसे रिस्क फैक्टर कर्मचारियों की जिंदगी छीन रहे हैं। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली NCR सहित देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अब वाहन चालकों को ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट साथ लेकर चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब सड़क पर वाहन चालक ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग को DigiLocker प्लेटफॉर्म या M परिवहन मोबाइल ऐप में डिजिटल रूप से रखे दस्तावेजों को दिखा सकते हैं। गर्भवती महिलाओं और नवजात बच्चों पर कोरोना वैक्सीन के असर को लेकर कोई जांच की जा रही है, ताकि कोरोना वैक्सीन के असर का पता लगाया जा सके। इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से 2 हफ्ते में जवाब की मांग की है। बीते शुक्रवार को 2.50 करोड़ डोज लगाई गई और अब तक 80 करोड़ से ज्यादा डोज लगाई जा चुकी है, जिसमें 60,03,94,452 करोड़ पहली और 20,29,80,695 करोड़ दूसरी डोज शामिल है। समाचार एजेंसी NI के मुताबिक शनिवार को 85.2 लाख से ज्यादा डोज लगाई गई है। अगर आप राशन कार्ड का उपयोग करते हैं तो आपके लिए एक अच्छी खबर निकलकर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक देश भर में 3.7 लाख से ज्यादा साझा सेवा केंद्रों में राशन कार्ड से संबंधित सेवाएं आम लोगों की सुविधा के लिए उपलब्ध रहेंगी। सरकार के इस कदम से देश भर के 23.64 करोड़ राशन कार्ड धारियों को फायदा होने की संभावना है। अक्टूबर की शुरुआत होने के साथ ही आपके बैंक और सैलरी से जुड़े कई नियमों में बदलाव होने वाला है। नियमों के लागू होने के बाद आपकी सैलरी पर असर पड़ेगा और बैंक में आने वाली तनख्वाह कम हो सकती है। इसके अलावा बैंक में पड़े पैसों को लेकर भी बदलाव होने वाले हैं, जिसका आपको ध्यान रखना आवश्यक है। पंजाब के नवनियुक्त मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने सोमवार को 2 मुख्यमंत्रियों के साथ राजभवन में पद और गोपनीयता की शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में कांग्रेस नेता राहुल गांधी भी शामिल हुए। चरणजीत सिंह चन्नी सरकार में सुखजिंदर रंधावा और OP सोनी नए उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। चरणजीत सिंह चन्नी को बधाइयां मिलने शुरू हो गई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी चरणजीत सिंह चन्नी को बधाई दी है। दरअसल प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट जारी करते हुए और इस ट्वीट में वो लिखते हैं कि श्री चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब का नया CM बनने पर बधाई।
अमेरिका में वैज्ञानिकों ने एक ऐसा पेंट बनाया है जो गर्मियों में एसी की जरूरत को ही खत्म कर देगा। अमेरिका की इंडियाना पर्जू यूनिवर्सिटी में दुनिया का सबसे सफेद पेंट तैयार किया गया है, जिसे लेकर वैज्ञानिकों का दावा है कि यह पेंट इतना सफेद है कि यह एयर कंडीशनिंग की जरूरत को कम या लगभग खत्म कर देगा। पेंट ने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में सबसे सफेद पेंट के रूप में भी जगह बना ली है। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और भाजपा नेता बीएस येदियुरप्पा ने सरकार पर निशाना साधा और कहा कि सिर्फ मोदी लहर से भाजपा विधानसभा चुनाव नहीं जीत सकती है। बीएस येदियुरप्पा ने भाजपा नेताओं को सलाह देते हुए कहा कि उन्हें विधानसभा उपचुनाव, विधान परिषद चुनाव और विधानसभा चुनावों के सभी को समझाना जरूरी होगा कि हम अकेले मोदी लहर से कर्नाटक चुनाव नहीं जीत सकते हैं। तालिबानी नेताओं के फरमान के खिलाफ जावेद अख्तर हमेशा से आलोचना करते रहे हैं। अब एक बार फिर से उन्होंने तालिबानी नेताओं के एक फरमान पर अपना गुस्सा जाहिर किया है। साथ ही इस्लामिक संगठनों को इसके खिलाफ आवाज उठाने की अपील की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर तालिबान के उस फरमान की आलोचना की जिसमें कामकाजी महिलाओं को घर में रहने के आदेश जारी किए गए हैं। कोरोना के कहर से बचने के लिए लगातार वैक्सीन लगवाने की अपील की जा रही है। वहीं शेरशाह मूवी के एक्टर विजय आनंद ने वैक्सीन लगवाने से इनकार कर दिया है। एक्टर ने मिशन वैक्सीन को मानव जाति के इतिहास में सबसे बड़ा घोटाला बताया है। बिहार के सियासी गलियारे में चर्चाओं के बाजार गर्म है। विपक्ष ने इसे मध्यावधि चुनाव का संकेत बताया है, जबकि भाजपा ने दावा किया है कि उनके भी कार्यकर्ता हर समय चुनाव के लिए तैयार रहते हैं, क्योंकि हाल ही में जदयू ने अपनी पार्टी को मजबूत करने के लिए संगठन को मजबूत करने की पहल की है। दिल्ली का रास्ता खुलवाने के लिए राज्य स्तरीय समिति की बैठक में किसान नहीं पहुंचे तो धरने से प्रभावित औद्योगिक क्षेत्रों के उद्योगपतियों ने अधिकारियों के सामने पहुंचकर अपनी परेशानी रखी। समिति के अध्यक्ष गृह सचिव राजीव अरोरा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार ही बैठक रखी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांगों का घर घर जाकर कोरोना वैक्सीनेशन करने के मुद्दे पर सोमवार को केंद्र से 2 हफ्ते के अंदर जवाब की मांग की है। न्यायमूर्ति डीवाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना की पीठ ने केंद्र को नोटिस जारी करते हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से विकलांगों के वैक्सीनेशन के लिए अब तक उठाए गए कदमों और मामलों पर सरकार के प्रस्तावों के बारे में मदद मांगी है। एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी को सोमवार को अहमदाबाद के साबरमती सेंट्रल जेल में पूर्व सांसद आतिक अहमद से मिलने की इजाजत ही नहीं दी गई। हैदराबाद के सांसद कुछ पार्टी नेताओं के साथ सोमवार सुबह अहमदाबाद पहुंचे, लेकिन गुजरात जेल अधिकारियों ने उन्हें अहमद से मिलने की अनुमति ही नहीं दी, जो हाल ही में एआईएमआईएम में शामिल हुए थे। बीसीसीआई सचिव जय शाह ने घरेलू क्रिकेटरों के लिए मैच फीस में बढ़ोतरी की घोषणा की है, जिसके तहत सीनियर खिलाड़ी जिन्हें 40 मैच से ज्यादा खेल लिए हैं उन्हें 60,000 रुपए, अंडर 23 को 25,000 रुपए और अंडर 19 को 20,000 रुपए दिए जाएंगे। गोवा के अपने 2 दिवसीय दौरे से पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को ट्विटर के जरिए तटीय राज्य में बेरोजगारी के मुद्दे को उजागर किया। केजरीवाल ने ट्वीट किया, बेरोजगारी चरम पर होने के कारण गोवा के युवाओं को नौकरी नहीं मिल रही है। सरकारी नौकरियां केवल पैसे कनेक्शन वाले लोगों के लिए ही उपलब्ध है। क्रेडिट कार्ड सेगमेंट में अपनी खोई हुई नेतृत्वकारी स्थिति को दोबारा हासिल करने के लिए निजी क्षेत्र के सबसे बड़े एचडीएफसी बैंक ने सोमवार को प्रमुख ऑनलाइन भुगतान सेवा प्रदाता पेटीएम के साथ को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड की बिक्री शुरू करने के लिए गठजोड़ की घोषणा कर दी है। इसके तहत त्योहारी सीजन की शुरुआत से पहले क्रेडिट कार्ड जारी करना शुरू कर दिया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जनता दरबार में लोगों की शिकायत सुनते देखे गए। आज पंचायती राज, जल संसाधन, ग्रामीण कार्य विभाग समेत कई विभागों की शिकायत उन्होंने सुनी। पश्चिम चंपारण से आए एक रिटायर्ड व्यक्ति ने मुख्यमंत्री से गुहार लगाई कि हमारा गांव यूपी में मिला दिया जाए, क्योंकि हमारा गांव कुशीनगर से 1 किलोमीटर की दूरी पर ही है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 30,256 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 295 लोगों की जान गई है। वहीं 43,938 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। वहीं देश में संक्रमित मरीजों की संख्या की बात करें तो यह 33,04,78,419 पर पहुंच गई है, जबकि एक्टिव मरीजों की संख्या 3,18,181 पर पहुंच गई है। देश में कुल मृतकों की संख्या की बात करें तो यह 4,45,133 पर पहुंच गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि सितंबर में भारत सरकार को भारतीय कंपनियों द्वारा निर्मित 26 करोड़ वैक्सीन डोज मिले। वैक्सीनेशन का कार्य भी लगातार बढ़ रहा है। अगले महीने अक्टूबर में हमें 30 करोड़ से अधिक डोज मिलने की संभावना है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है किरण कुमारी, ओमकार सिंह, बिट्टू कुमार, अनिरुद्ध उपाध्याय, आनंद रॉय, गुड्डू कुमार, मोहम्मद सईम, सत्यनारायण पासवान, अरुण बारी, संतोष कुमार, उदय शंकर, अनवर हुसैन, मनीष कुमार, सुदामा कुमार, प्रमोद कुमार, मोटिवेशन फैक्ट्स, कुश कुमार यादव, रूपेश कुमार, मनीष कुमार। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश
कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार वर्तमान माहौल को देखते हुए प्राइमरी स्कूलों को पूरी तरीके से खोल देना चाहिए या नहीं? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।